सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हुआ था वो हमारे पास था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब जिसको कैपिटल कह रहा हूँ मैं, अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे, मतलब कि जो हिंदी में बोल सकते हैं स्थिर निवेश क्या होती है, ठीक है। और हमने फिर जाके इसके जो भी जो इसके महत्व है, ठीक है, हमने वो पढ़े थे। तो समझो भाई, पहले मैं तुम्हें हल्का सा एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि हमारे पास था क्या ये भाई। अगर मैं कैपिटल, मतलब कि जो मेरे पास स्थिर निवेश है, ठीक है, जिसको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है क्या होती है। सुनो भाई, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मेरे पास जो मतलब निकल के आता है वो ये हो जाता है कि कभी भी अगर हमारी जो मान लो जो कैपिटल गुड्स है, ठीक है, जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर मशीन, ठीक है, तो मशीन की अभी की वैल्यू और एक साल की वैल्यू में जो बढ़ गई है, बस हमारी मान लो अभी मेरे पास है, मान लो मैंने आज बिजनेस शुरू किया अपना और मेरे पास 10 लाख की मशीन है, ठीक है, और इसके बाद जाके आगे जो इस फोन पे सलाह दो, देखो भाई इसके बाद ना जो मान के चलो, देखो जैसे मैं ये बोल दूं कि इससे पहले जो भी चीज मेरे पास थी, ठीक है, सुनो भाई, देखो मैंने क्या बताया कि इससे पहले जो बता रहा हूँ, मेरे पास मान लो अभी थी मशीन 10 लाख की मशीन थी, ठीक है, और इसके बाद जाके एक साल के बाद मेरे पास हो गई 15 लाख रुपए की मशीन। कितने की हो गई भाई? 15 लाख रुपए की मशीन हो गई। तो मशीन की वैल्यू कितनी बढ़ गई, मतलब कितने की मशीन मैंने और खरीदी है? 5 लाख रुपए की मशीन मैंने और खरीदी। तो ये जो मैंने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है ना भाई, ये क्या है मेरे पास, इसको हम बोल देते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं स्थिर निवेश, ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल के रूप में समझाया मैंने। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, मेरे पास अगला था जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हाँ भाई, जिसको बोल सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और भाई हिंदी में मेरे पास है माल सूची निवेश था। इसके बारे में लिखवा चुका हूँ वैसे मैं, तो बस बता रहा हूँ इसके बारे में दोबारा से। जो हमारे पास रॉ मटेरियल, ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स और जो फिनिश गुड्स है, इनके स्टॉक में जो भी चेंज आते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब भाई जिसको अब मैं तुम्हें ना इसका एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में जो मेरे पास है वो है माल सूची निवेश। क्या होता है माल सूची निवेश? माल सूची निवेश का मेरे पास मतलब हो जाता है कि जब भी मेरे पास कच्चा माल, ठीक है, आधा बना हुआ माल और पूरा बना हुआ माल, इनके स्टॉक में जो भी चेंजेस आते हैं, बात समझ क्या बोला, इनके स्टॉक में जो भी चेंजेस आते हैं ना, जैसे मान लो कि आज तारीख है मेरे पास, मान लो आज मैंने बिजनेस शुरू किया है, आज मेरे पास जो कच्चा माल, आधा तैयार माल और जो पूरा तैयार माल है, वो मान लो है मेरे पास 20,000 रुपये का मान लो, ठीक है, कितने का भाई मेरे पास ये 20,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपये का है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसके बाद जो मेरे पास वैल्यू बढ़ के, देखो मैंने क्या बताया कि अभी मेरे पास है 20,000 रुपये का, लेकिन साल के एंड में, ठीक है, जो भी मैंने कच्चा माल बीच में खरीदा था, बस भाई, जो भी मैंने कच्चा माल बीच में खरीदा है साल के शुरुआत में और साल के लास्ट में, जो भी मेरे पास जो कच्चा माल है या फिर तैयार माल या फिर जो पूरा बना हुआ माल है, इनका बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जो अंतर होता है, इसको क्या बोलते हैं? माल सूची निवेश बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहले वाली बातें पता लग रही है? देखो ये वैसे बता चुका हूँ, जिसको कुछ नहीं पता लगा अभी, कोई नहीं, जो लास्ट क्लास वाली वीडियो से देखो, ठीक है। सुनो भाई, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अगली हेडिंग डाल लो, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और हिंदी में है माल सूची निवेश का महत्व। माल सूची निवेश का महत्व हेडिंग डालनी है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और हिंदी में है माल सूची निवेश का महत्व। लिखो सर। सुनो भाई, मैंने क्या बोला? माल सूची निवेश का महत्व, इसकी बात करते हैं। सुनो भाई, पहले समझो मैं जो तुम्हें हेडिंग डलवाई है, इस हेडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। हेडिंग का जो मतलब निकाल के आता है वो ये है कि माल सूची निवेश के इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है इसकी। जो मेरे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जरूरत क्या है भाई इसकी? हम एक बार लगा के छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में कच्चा माल खरीद लो बहुत सारा,
ख़त्म कर दो, ठीक है, मतलब कि जो भी है उसी से लाते रहो, मत खरीदो बीच में। मैं जो क्वेश्चन बन के आता ना, अगर मान लो उसका क्वेश्चन बन के आता ना एग्जाम, पता क्या बन के आएगा कि भाई माल सूच निवेश की जरूरत क्या है, मतलब कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो मेरे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जो माल सूची निवेश है, जरूरत क्या है भाई इसकी, हमें क्यों करते हैं हम ये सब, तो ये पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात समझो कि अगर मैं अपने कच्चे माल में इन्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा कच्चा माल है अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सबसे पता अच्छी बात क्या होगी, मेरे पास कभी माल की कमी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई, मेरे पास हमेशा स्टॉक रहेगा, कोई भी ऑर्डर देने आया तुरंत बना के दे दिया। चलो मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इसका, मान लो मेरा ढाबा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ढाबे में ना मैंने क्या कर रखा है, पहले मान लो राशन भर रखा है अच्छे से, जो जो सामान चाहिए मैंने सब रखा हुआ है। अब क्या हुआ भाई, सामान रखा हुआ है ना, उसके बाद ना एकदम से मेरे पास ऑर्डर आ गया, मान लो 100 जने का खाना तुरंत पैक करना है। अगर मेरे पास कच्चा माल रखा होगा तो बना के दे दूंगा, मैं कच्चा माल रखा होगा मैं बना के दे दूंगा, लेकिन अगर कच्चा माल नहीं रखा होगा तो क्या होगा, बना के नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा था भाई इससे क्या होता है कि हम ना ये मान लो अनइंटरप्ट नहीं होते, हम एक तरीके से मान के चलो कि हम किसी मौके को छोड़ नहीं सकते। जब हमारे पास कच्चा माल रहता है ना, जब मेरे पास रॉ मटेरियल रहता है, या फिर बोल सकते हैं मेरे पास अगर कि स्टॉक है, तो उससे क्या होता है कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, जब भी प्रोडक्शन करना चाहूँ तब कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो शूज़ बनाने की कंपनी है, ठीक है, पहले उनके पास ना कोई सा ऑर्डर नहीं था, पहले उनके पास कोई सा ऑर्डर था ही नहीं, तो उन्होंने सामान मान लो नहीं रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि भाई एक जने ने बोला कि तुम कच्चा माल ना मंगवा लो, ठीक है, बोलेगा नहीं जब ऑर्डर आएगा तभी करेंगे, बस भाई ऑर्डर आएगा तभी करेंगे। तो अब क्या हुआ भाई, ऑर्डर आ गया, शाम को ऑर्डर आ गया, कह रहा भाई मुझे सुबह ऑर्डर चाहिए, मुझे सुबह तैयार चाहिए, भाई ऐसे ही होता है, ठीक है। उसने क्या शाम को ऑर्डर दिया, उसने बोला भाई मुझे ना सुबह सारा माल तैयार चाहिए। वो बोला भाई सर ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो बोला ठीक है नहीं हो पाएगा, कहीं और जा रहा हूँ। फिर लोगों को तो अपने काम से मतलब है, बहुत सारे लोग हैं, खुद तुम एग्जाम खुद ट्राई मारो, तुम शाम को दूध लेने जा रहे हो, ठीक है, तुम जा रहे हो दूध लेने के लिए, और क्या हुआ भाई, तुम दूध लेने के लिए गए, तुम्हें एक दुकान पर नहीं मिला, क्या करोगे, दूसरे पे तुरंत ही दिमाग में ना भाई दूसरे पे चले जाएंगे। हम थोड़ी बोल सकते हैं नहीं ठीक है सुबह, वो बोले बेटा सुबह आ जाना, ठीक है, हाँ अंकल जरूर आऊँगा सुबह, जाओ तुम उसके पास, साइड वाले से जाके ले आओगे। तो ऐसे ही होता है। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या समझनी है हमें, कि जो मेरे पास कच्चा माल ना, वो क्या करता है हमारे बिजनेस को, मान लो रन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लो भाई इसके अंदर, यह उत्पादकों की आगतों की, यह उत्पादकों की आगतों की, उत्पादकों को आगतों की, यह उत्पादकों को आगतों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करता है निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करता है। कुछ भी लिख दे, जिसके पास वीडियो जाएगी ना पता क्या बोलेगा, तो हेल्थ के बच्चे थे पांच में क्या, ठीक है भाई सुनो, इंग्लिश के अंदर लिखो, इट इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। सुनो भाई पहली लाइन का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया भाई, जो उनकी सप्लाई है उसको कंटिन्यू रखता है। बस समझ आया, देखो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो भी हमारा सप्लायर है उसके पास क्या है कि जो रॉ मटेरियल है ना, जो कच्चा माल है, उसकी सप्लाई कंटिन्यू रखता है। भाई कॉमन सेंस लगाओ कि भाई अगर कभी भी मेरे मन में एक ऐसा मान के चलो कि भाई चलो मैं ना मान लो एक ढाबा चला रहा हूँ, ठीक है। अब ढाबा चलाने पर क्या होता है कि मान लो कि पीछे से ना माल नहीं आ रहा, जो कच्चा माल है पीछे से आ नहीं रहा, ठीक है, तो बताओ आगे चलेगा ढाबा, नहीं चलेगा ना, तो बताओ मैं क्या करूँगा, या तो ढाबा बंद होगा,
ठीक, या फिर मैं महंगा बेचूंगा, दोनों में से कुछ एक होगा। तो पीछे से माल आना जरूरी है। तो अगर मैं कच्चे माल का स्टॉक रखता हूँ ना, इससे क्या बेनिफिट होता है मेरे पास कि भविष्य में कोई भी अगर घटना आती है, फ्यूचर में कोई ऐसा कुछ हो जाता है तो भाई वहाँ पे मैं आराम से इसको झेल पाऊंगा। अच्छा, तो मैं जो बड़े बड़े राशन वाले दिखते हैं ना, जिनकी बड़ी बड़ी राशन दुकान होती है, उनके दुकान में करोड़ों का स्टॉक रहता है, उनका जो गोडाउन है पूरा भरा होता है, उनके पास इतना सामान होता है कि पूरी एक कॉलोनी को ना, अगर वो मान के चलो कि पूरे 3-4 महीने बैठा के खिलाए ना, आराम से खिला सकता है, इतना होता है उनपे। ठीक है, तो भाई पहले पहला पॉइंट पता लग गया। अब सुनो, अच्छा भाई ये कोई बताया, मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ मैं देख के, तुम तो इंग्लिश मीडियम में हो ना। सुनो भाई, देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं कि माल सूची निवेश की जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, मतलब इसकी जरूरत क्या है, जो मेरे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है इसकी जरूरत क्या है। पहला मैंने बता दिया कि भाई कंटिन्यू सप्लाई की जरूरत पड़ती है इसमें। भाई अगर मैं ऐसे ही दूसरी बात कर दूँ ना, तो इससे क्या होता है, अच्छा देखो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कच्चा माल पड़ा होगा, अगर मेरे पास कच्चा माल रखा होगा, तो जो मैं रोज बेचता हूँ, जो मैं रोज खरीदता बेचता हूँ, इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी। अगर लेकिन ऐसा हुआ, मान के चलो कि मैं अपने पास कच्चा माल नहीं रखता हूँ, जब मेरे पास जो कच्चा माल है मैं उसको नहीं रखता हूँ, तो क्या दिक्कत आएगी, मैं आगे बेच नहीं पाऊँगा, दुकान तो खोल रखी है, दुकान में कुछ है नहीं। ठीक है, तो भाई इससे क्या होता है, ये जो हम डेली बेसिस पे जो भी हम सेल परचेस करते हैं ना, ये वाली एक्टिविटी हो नहीं पाएगी। ठीक है, अगर हम अपने पास कच्चा माल नहीं रखते हैं तो क्या ये वाली एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैं अपने पास सामान रखूँगा तो एक्टिविटी हो जाएगी वाली, हमारा खरीदने और बेचने से तो काम चल रहा है ना, हम खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, ऐसे तो हो रहा है। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो बताओ हमारा जो बिजनेस चलेगा आगे, नहीं चलेगा ना। तो हम क्या भाई, अगली ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि अगर हमें बार बार सामान को खरीदना और बेचना है ना, तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो मेरे पास माल सूची निवेश है, जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका अंदर लिखो भाई हिंदी में पहले, कच्चे माल का प्राचुर स्टॉक होने पर उत्पादक बाजार की अनिश्चितताओं निश्चित लिखवाया था ना, उसी का अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चितताओं से बच सकता है। लिखो भाई इंग्लिश में, विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कैन अवॉइड अनसर्टेनिटीज। अब सुनो भाई, देखो हमने क्या किया, जो दो टॉपिक शुरू किया था, एक मेरे पास था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि स्थिर निवेश और माल सूची निवेश है। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब जो हमें अगली हेडिंग डालनी ना, वो लिख लो भाई। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कोमा नेट इन्वेस्टमेंट। अटके पड़े हो पीछे तो खुराक लो गया। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन
एंड द कंसेप्ट ऑफ बैपी लाइन टेढ़ी से जा रही है आज तो बड़ी। और भाई जो हिंदी में हमारे पास है सकल निवेश, शुद्ध निवेश, सकल निवेश, शुद्ध निवेश तथा मूल्यह्रास की अवधारणा। मूल्यह्रास की अवधारणा भाई सुनो, सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि पहले ना हमें दो वर्ड सीखने हैं, ठीक है। कौन कौन सा वर्ड है? पहले हमारे पास है ग्रॉस, ठीक है। दूसरा मेरे पास है नेट, मतलब सकल और शुद्ध। पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। पहला जो वर्ड सिखा रहा हूँ वो हमारे पास है ग्रॉस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि सकल, पता है सकल, तुम्हारी सकल। और भाई दूसरा मेरे पास है नेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध, जो हम है शुद्ध। सुनो देखो भाई, हमारे पास क्या है कि ग्रॉस की बात करते हैं, दूसरा मेरे पास क्या है नेट है। तो पहले देखो समझो होता क्या है। मैं तुम्हें ना कुछ एग्जांपल दूंगा इसके, समझ जाओगे। जैसे मान लो, अच्छा वैसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं कि मैं तुम्हें इसके मतलब तो ग्रॉस की डेफिनेशन लिखाऊंगी, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें समझ में आना चाहिए। मान के चलो कि भाई तुम्हारे पास क्या है कि तुमने कोई बिजनेस चालू किया है, ठीक है। अच्छा वैसे जो कॉमर्स वाले उन्हें पता हो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, पता है ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब सुनो भाई, हम मतलब कि ना बात करते हैं, क्योंकि मान लो तुम कॉमर्स वाले नहीं हो, ठीक है, तो मैं नहीं पता क्या होता है। अब हम बात करते हैं, सुनो, तुम्हारा लक्षण भी नहीं है कॉमर्स वाले, शांत हो जाओ। देखो भाई, देखो हमारे पास टॉपिक क्या है। जैसे मान लो कि मैंने कार खरीदी, ठीक है, कार खरीद के मैंने उसको चलाया 2 साल, ठीक है। मैंने क्या है कार खरीदी और स्टार्टिंग भाई मालूम मेरे को ना कार चलानी नहीं आती, वैसे भी नहीं आती, ठीक है, देखो पता है मेरे को कार है, ठीक है। मैंने कार खरीदी, कार थी मेरी मान लो 10 लाख रुपए की, ठीक है। सुनो कार कितने की है मेरे पास? 10 लाख रुपए की है। अब सुनो, 10 लाख की कार है, मान लो मुझे स्टार्टिंग में कार चलानी नहीं आती थी, ठीक, तो सच भी है वैसे। देखो अब क्या है कि भाई कार चलानी नहीं आती मेरे को, मैंने क्या किया, दो तीन बार ठोकर होकर मार दी, फिर मैं ठीक करवा ली उसको, ठीक। अब 2 साल के बाद मैं इस कार को बेचना चाहता हूँ, 2 साल के बाद के मैं इस कार को बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई अब यही जो मेरे पास कार है, ठीक है, ये जो कार थी 10 लाख की, तो बताओ ये कितने की बिकेगी? ये जो 10 लाख रुपये में से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ना, ये तो इसकी ग्रॉस वैल्यू है। ये क्या मेरे पास सकल, इसकी मान लो सकल मूल्य है इसका, ये बात समझ आ रही है, ग्रॉस वैल्यू है। जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं भाई? ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन मैंने उसको चलाया, यूज किया, भाई बहुत सारी ठोकर फोकर लगी इसमें, खत्म हो गई आधी सी, ठीक है। तो भाई इसकी कीमत में कमी आई होगी ना, तो जितनी इसकी कीमत में कमी आई है, अगर मैं उसको इसमें से माइनस कर दूं, बात समझ आ रही, जितनी इसकी कीमत में कमी आई है उसमें से अगर मैं उसको माइनस कर दूं, देखो, अच्छा ये ना दिमाग के हिसाब से लगाना था, अच्छा भाई 2 साल चलाई इतनी कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने इसमें से ना भाई कम कर दिया, मान लो 4 लाख रुपए कम कर दिया, ठीक है, 4 लाख रुपए का भाई बोल सकते हैं भाई 2 साल चलाई तो अच्छे से घिसी होगी, ठीक है, और 10 लाख की है, ये थोड़ी ना कि भाई ज़्यादा किया, तो 10 लाख के में से 4 लाख माइनस कर दूं, अब गाड़ी कितनी होगी भाई? 6 लाख। देखो मैंने बोला बहुत टक्कर लगी इसके बाद, मैंने बोला है टक्कर के बाद ना पुर्जे हिल जाते हैं जो भी है, तो 10 लाख में से 4 लाख का मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने खुद क्या माना भाई 4 लाख का इसमें तो कबाड़ हो गया होगा, ठीक है, बची कितने की? 6 लाख की। अब ये जो मेरे पास 6 लाख बचा है ना भाई, ये मेरे पास है इसकी शुद्ध वैल्यू, ठीक है, इसकी ये इसका शुद्ध मूल्य बोल सकता हूँ मैं, नेट वैल्यू। बताओ भाई तुम्हें ग्रॉस और नेट के बारे में पता लगा क्या होता है? इसमें दिक्कत तो नहीं, सकल में और शुद्ध में कोई दिक्कत है इसके अंदर? भाई ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तुम मन में सोच सकते हो आराम से, ठीक है, घर पे बैठ के खूब सोचना, वैसे कुछ और सोचते हो। देखो भाई
अपना जो मेरे पास नेक्स्ट है, समझो ये दोनों दोनों वर्ड पता लग गए। अब समझो मेरे पास क्या है भाई, पहली हेडिंग डालो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सकल निवेश। पहली हेडिंग क्या डालनी है भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बोलेंगे सकल निवेश। ठीक है भाई, क्या मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसे क्या बोलते हैं, सकल निवेश बोलते हैं। अब भाई समझो पहले हमारे पास ना जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जिसको सकल निवेश बोलते हैं भाई, हमारे पास है क्या देखो। अच्छा कोई बताएगा वैसे, बताओ क्या? अरे इसका मतलब बताया कोई मेरे को, तुम बताना शिवम। यार ये तो कोई बात ही ना हुई। अरे मैं क्या टॉपिक पूछा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है तुम बताओगे? हाँ अरे शांत जाओ, बता दो बताओ। यार वो सिर्फ मैंने उस वर्ड का मतलब समझाने के लिए समझाया था, वो ये तो कोई बात ही ना हुई। तो बता भाई अंकित। चलो सुनो भाई, सुन जाओ दोबारा बता रहा हूँ, मतलब अपना मतलब कि इसका मतलब बता रहा हूँ, सकल निवेश का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, एक किसी भी प्रोड्यूसर ने पूरे साल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है, बस हमारी एक प्रोड्यूसर है, उसने पूरे साल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है उसी को क्या बोल देंगे, सकल निवेश बोलेंगे। ठीक है मतलब थोड़ा ना आप मतलब हिंदी वालों को हिंदी की भाषा में समझा रहा हूँ और इंग्लिश वालों को इंग्लिश की भाषा में। देखो भाई पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास जो है ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी कोई एक प्रोड्यूसर है उसने पूरे के पूरे एक ईयर के अंदर जो भी उसने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है, बस मारिए टोटल उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बातें पता लग रही है, वो इंग्लिश वालों को लेता। अब सुनो हिंदी वाले पे आ जाओ। देखो भैया बात करते हैं सकल निवेश क्या होता है। एक उत्पादक के द्वारा पूरे साल में जितने भी मशीन वगैरह ठीक है खरीदी गई है, जितने रुपए की उसने मशीन खरीदी है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, जितने रुपए खरीदे ना वो सारे सारे उसे बोल देंगे सकल निवेश। बात समझ आ गया तो जाए। ठीक है अब देखो, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है किसी को है? मैं वीडियो का रिकॉर्ड करता हूँ भाई, सुनो फिर भी समझ जाओ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास ना जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझो, एक प्रोड्यूसर है उसने पूरे साल में जितने भी फिक्स असेट्स खरीदी है ठीक है, उस पर उसने जितने भी पैसे खर्च किए वो सारे सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ठीक है अब भाई इसका लिखना शुरू करो, पहले हिंदी लिख लो। सकल निवेश से अभिप्राय सकल निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान, सकल निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तु के कुल उत्पादन से है। भाई पूंजीगत वस्तु के कुल उत्पादन लिख सकते हैं या फिर खरीद से भी बोल सकते हैं। ठीक है ये बात समझ जाओ। पूंजीगत वस्तु के कुल उत्पादन से है, के कुल उत्पादन से है। ठीक है भाई अब सुनो इंग्लिश में लिख लो एक बार। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। सुनो भाई तो पहले ये बातें पता लगी, क्या समझा रहा हूँ उसमें मैं, एक कोई प्रोड्यूसर ने पूरे के पूरे साल में जो भी उसने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा तुम्हें अभी का एग्जाम्पल याद है, ये वाला, ये जो मैंने बताया था एग्जाम्पल, ये जो मेरे पास था 10 लाख रुपये, ठीक है 10 लाख रुपए की कार थी और यहाँ पे मेरे पास लास्ट में कितने की बची थी भाई, ये 6 लाख रुपए की बची थी।
ठीक है, ये बातें पता लग रही। अच्छा बीच में क्या हुआ था, 4 लाख रुपए का चुरा के ले गया कोई, टायर वायर खोल के ले गया कोई, नहीं ले गया ना। तो भाई ये जो इसके बीच के ये जो 4 लाख रुपए हैं, बात समझ आ रही है, ये क्यों हुआ होगा, ये इतने रुपए कम क्यों हुए, टूट फूट हुई है कुछ ना कुछ, बात समझ आ रही है। हमारे पास क्या होगी, ओह अब जान जाओ, सुनो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टूट फूट, कुछ ना कुछ टूट फूट हुई होगी ना। तो ये जो मेरे पास 4 लाख रुपए का जो टूट फूट ये जो हुई है, इसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल्यह्रास। और मैं एक वर्ड बोलूंगा ना इंग्लिश में, समझ जाओ, डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ गया ना। तो भाई जो भी छोटी मोटी जो टूट फूट वगैरह होती है ना, इन सब की वजह से भाई जो भी वैल्यू में कमी आती है उसे क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। जैसे ही मैं इस ग्रॉस में से ये जो जो छोटी मोटी जो टूट फूट हुई है इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा, कहाँ पहुंचाऊंगा मैं, नेट पे, शुद्ध पे, बात समझ आ रही है। ये मेरे पास क्या, ये सकल है, ये क्या भाई, ये सकल इसका मूल्य है, ठीक है। तो सकल निवेश बोल सकता हूँ मैं इसको। मैंने स्टार्टिंग में कितने की मशीन ली थी भाई, जो मेरे पास मशीन है स्टार्टिंग में मशीन ली 10 लाख रुपए की, ठीक है। तो 10 लाख की मशीन में 4 लाख रुपए का लग गया डेप्रिसिएशन। क्या लग गया भाई, मूल्यह्रास हिंदी में है, और इंग्लिश में क्या है, डेप्रिसिएशन। तो 4 लाख रुपए का मूल्यह्रास हो गया, बात समझ आई। अच्छा इस मूल्यह्रास के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे भाई, किन किन कारणों से होता है, मतलब क्या क्या रीज़न है इसके पीछे। तो 4 लाख रुपए का मूल्यह्रास हुआ, तो भाई 4 लाख के बाद जो मेरे पास अगला बचा ना, ये क्या है, 6 लाख, ये नेट हो गया ना, अभी क्या होगा, शुद्ध, बात समझ आ गई। ऐसा क्या बोलूंगा भाई मैं, शुद्ध निवेश, ठीक है, ये बातें पता लग रही है। शुद्ध निवेश बोल सकता हूँ इसको, और इंग्लिश में नेट इन्वेस्टमेंट। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और ये मेरे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये क्या होगा मेरे पास, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास, बताओ भाई, पहले ये बातें पता लग रही है। अब मैं तुम्हें एक एक करके लिखवाना शुरू करूंगा, ठीक है भाई। लेकिन अच्छा हम क्या इसके बाद ना, जो ग्रॉस के बाद पहले हम समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आएंगे नेट पे। लिखो भाई अगली हेडिंग डाल लो, डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। अभी पहले थोड़ा समझाऊंगा, बाद में इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। हेडिंग डाल लो मूल्यह्रास, और इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। अब सुनो भाई, पहले हम समझते हैं, अच्छा पहले ये लेन डाल दो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसके बाद मैं बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन। वैसे कायदे से तो इसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन पहले वो बता रहा हूँ ताकि मैं ये ढंग समझ में आ जाए। देखो हमारे पास ना समझो होता क्या है, कायदा या तुम दोगे नहीं। देखो मैंने क्या बताया कि भाई हमारे पास ना समझो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है। भाई सिंपल सी एक ही बात निकल के आती है कि कभी भी अगर हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं ना, उसमें छोटी मोटी टूट फूट आती रहती है, बात समझ आ रही है। जब भी हम किसी एक चीज़ को बहुत ही लंबे समय तक यूज़ करते हैं उसमें छोटी मोटी टूट फूट आती है। तो ये जो टूट फूट होती है ना, ये फिर जो थोड़ी बहुत खराबी आती है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास बोलते हैं। सिंपल सी बात नहीं बोल सकते, अगर लिखना भी चाहो ना भाई इसको हिंदी में ऐसा लिख सकते हो, लेकिन थोड़े से ना टेक्निकल वर्ड चाहिए होते हैं भाई। जो भी बोर्ड में तुम्हारे जो पेपर चेक करेगा ना, तो या फिर तुम किसी को अगर किसी को बताते भी हो, उसे एक अच्छा लगना चाहिए ना कि गवार वाली भाषा में बता दिया। समझने के लिए गवार वाली भाषा में पता होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो अब देखो भाई हेडिंग क्या डालनी है हमें, डेप्रिसिएशन है, जिसको मूल्यह्रास बोलते हैं। सुनो भाई, जो मेरे पास ये जो मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास का मतलब क्या बता दिया मैंने, पहले तो पता लगा भाई, इसके अंदर छोटा सा लिख लो एक बार, लिखो भाई हिंदी में, जब स्थिर परिसंपत्ति
जब स्थिर परिसंपत्ति को लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता है, जब स्थिर परिसंपत्ति को लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता है तो सामान्य टूट फूट कोमा सामान्य टूट फूट लिखा उसके बाद कोमा लगा के आकस्मिक घटना कोमा प्रत्याशित अप्रचलन के कारण से स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है जिसे मूल्यह्रास कहते हैं। देखो भाई इंग्लिश में लिख लो, देखो व्हाइल फिक्स असेट्स While fixed assets are used for long time then because of normal wear and tear comma accidental damages comma expected obsolescence 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 there is fall in value of fixed assets are called depreciation। भाई ये बातें पता लग रही, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो भाई, अब ना मैं अगर तुम्हें इसके बारे में बताऊँ ना, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्या होती है नेट इन्वेस्टमेंट, जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जो भी डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू में जो कमी होती है अगर उसको माइनस कर देते हैं, बस मारिए जो भी मेरे पास क्या है कि भाई जैसे मान लो जो मेरे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है भाई 5 मिनट हो जाओ, देखो जो मेरे पास मेरी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर दूँ, ठीक है, जो मेरे पास बचता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है, तो तुम्हें नेट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, अगली हेडिंग डाल लो नेट इन्वेस्टमेंट। बोलो सुनो भाई, अच्छा पहले समझो कि हमारे पास ना नेट इन्वेस्टमेंट होती क्या है।
हमारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो पूंजीगत वस्तु होती है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, बस हमारी जो मेरी कैपिटल गुड्स है या फिर जो मेरी पूंजीगत वस्तु है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसी को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। बस हमारी है, मैंने 10 साल पहले एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, अभी उसकी वैल्यू क्या है, मैं उस वैल्यू पर जो काम कर रहा हूँ, उस वैल्यू पर मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसे हम क्या बोलेंगे भाई, नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। बस हमारी है, जिस वैल्यू पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उसे बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखे चलना, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, लिखो इसके अंदर, पहले हिंदी में लिख लो, लिखो भाई, पूंजीगत वस्तुएं जो पूंजी के विद्यमान स्टॉक में शुद्ध वृद्धि के रूप में उपयोग की जाती है, शुद्ध वृद्धि के रूप में उपयोग की जाती है, उसे शुद्ध निवेश कहते हैं, उसे शुद्ध निवेश कहते हैं। लिखो भाई इंग्लिश में, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। भाई पहले तो मैं इन दो बातों का मतलब पता लग गया, ठीक है, तो मैं जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब पता होगा और जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब पता होगा, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होगा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन का मतलब बताया था, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। बस मारी है, सुनो भाई, अगली हेडिंग डालो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरा तो वो हो गया तुम्हारा जो नेट इन्वेस्टमेंट था, ये हो गया। तीसरा जो थर्ड पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और भाई जो हमारा हिंदी में है वो है मूल्यह्रास की अवधारणा, मूल्यह्रास की अवधारणा। समझो भाई इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है या फिर मूल्यह्रास की जो अवधारणा है इसका मतलब समझो। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहले वो समझ जाओ, बाकी तो पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में से, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चलो मैंने कार ली 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि उसमें किन किन चीज़ों की वैल्यू मैं ऐड करूँगा, मतलब कि लेस करूँगा। मान लो 10 लाख रुपए की कार थी, ठीक है, फिर मान 10 लाख रुपए की मशीन, मान लो मशीन कितने की है भाई, 10 लाख रुपए की मशीन है, उसमें से ये मेरी बची 6 लाख रुपए की, ठीक है, तो 4 लाख का क्या होगा भाई, डेप्रिसिएशन होगा 4 लाख का। तो मुझे अब इसके अंदर ना तुम बताना, मैं सिर्फ पूछूंगा, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने ना मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो ये डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड होगा नहीं होगा ये, ठीक है, मैं अभी सिर्फ हाँ ना बोलूँगा, ठीक है। मैं एकदम से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और मान लो मेरा बेटा है, मान लो, ठीक है, वो पेचस लेके आया, उसने ना गाड़ी पे मस्त वाला लिख दिया आई लव डैड, ऐसा लिख दिया, अब इसमें भी लग गया डेप्रिसिएशन। तो ये बताओ ये मेरे पास होगा नहीं होगा डेप्रिसिएशन में, ये भी नहीं होगा, होगा आधे हाँ बोल रहे हो आधे ना बोल रहे हो। सुनो भाई छोटी मोटी टूट फूट है, ये होगा, ठीक है। अब सुनो मैं अगला बोल दूँ, सुनो भाई मैं मान लो चला रहा हूँ, ठीक है, मैं कार चला रहा हूँ, अब कार चलाते चलाते एकदम से हुआ भाई टायर ना घिस गए, टायर क्या घिस गया, टायर घिसता है ना, अब इसकी भी तो वैल्यू कम हुई, ये होगा नहीं होगा, ये तो होगा भाई, यूज़ करते करते ख़त्म हो रही ना, ठीक है। अच्छा मैं तो मैंने सिंपल सा इसका जो मतलब कि ना मेन मुद्दा बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी एक्सीडेंट के कारण से होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था,
जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, अगर उसके कारण से हो जाता है ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। जो डेप्रिसिएशन है, जो मूल्य ह्रास है, इसके अंदर हम किस चीज़ को नहीं मिलाएंगे, मतलब 400,000 रुपये में किस चीज़ को नहीं जोड़ेंगे, जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा हमारे कार का, नहीं सोचते ना, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर ठीक है। चलते चलते घिस गई, छोटी मोटी टूट फूट हो गई, इसको देख लेंगे। और जो एक्सपेक्टेड एक्सीडेंट है ठीक है, जो हमें लगता है भाई ये हो सकता है, मुझे बताओ मैं कार चला रहा हूँ ठीक है, अब एकदम से मान चलो भाई मुझे इतना तो डर है ना कहीं ना कहीं टक्कर हल्की सी लगेगी, इतना सबको रहता है। अब इतना किसी तो पूरी कार पलट के तब चकना चूर हो जाए, ये नहीं होता किसी का ठीक है। भाई हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हमें पता है, हल्की सी स्क्रैच उसमें लगेगी ज़रूर, मैं कहीं भी रोड पर जा रहा हूँ कितनी भी महंगी कार ले लूँ उसमें क्या है कि भाई हमारे पास ना स्क्रैच आएगा ज़रूर, ये बात पता लगी। तो क्या ध्यान रखना है, अगर कोई किसी एक्सीडेंट के कारण से होता है हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, कोई ऐसी घटना जो कि भाई हमारी जो हमने सोचा नहीं था, जिसको हम सोचते नहीं कि भाई ये चीज़ होगी ठीक है, एक्सीडेंट के कारण से जो हुआ है ना उसके उसके मतलब कि जो मान लो अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट बोल सकते हैं भाई, जिसको हमने भविष्य में जिनके बारे में सोचा नहीं था ना, अगर ऐसी घटना के कारण से हमारे जो स्थिर परिसंपत्ति है उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो इसको हम उसके अंदर नहीं रखेंगे ठीक है। ऐसा कोई बताया क्यों नहीं रखेंगे, इंश्योरेंस ठीक है, इंश्योरेंस होता है इसीलिए। अब सुनो, लेकिन जो छोटी मोटी टूट फूट जो हमें लगता है भाई होगा ये, तो उस चीज़ को क्या करेंगे भाई, उसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। बातें पता लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। इसके ना बारे में जो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है। और जितना मैंने बताया थोड़ा सा याद करके लेके आओ, चैप्टर ना बस थोड़ा सा और है, एंड हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट होगा भाई। जिसका छूट रखा है वो बैकअप क्लास लो, क्योंकि संडे, ये जो संडे आएगा ना उस दिन टेस्ट है।